श्री गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग देने का काम करता है। दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये आपके ग्रोथ के लिए मोटिवेशनल है, और मोटिवेशनल भी वो टॉपिक है जो बिल्कुल रियल जिंदगी में हमारे साथ हुआ है। तो मैं आज सुबह हमारी ट्रेनिंग थी, उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन था। आज 3 अप्रैल है, तो सुबह 11 से लेके 12:30 बजे तक क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसमें एक बंदे ने हमें बताया कि सर, हम आपको साल 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैंने आपको फॉलो करके कोई प्रॉपर्टी ली थी, और वो प्रॉपर्टी विद इन 2 और 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट मिलते हैं। तो फिर इसी का मैंने लिखा, इफ़ दे कैन डू व्हाई कैन यू, कि भाई वो लोग कर सकते हैं, वीडियो देख के कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं आपके साथ हूँ। तो ये मैंने 3 बंदों का नाम इस पर लिखा है। एक तो सरबजीत सिंह है सुल्तानपुर के, ये 8 पढ़े हुए हैं। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ कि 8 पढ़े हुए बंदे ने लॉकडाउन के आसपास, लॉकडाउन हुआ था तब, तो वहाँ सुल्तानपुर जो गाँव है पंजाब में, सुल्तानपुर कस्बा है, उसमें प्रॉपर्टी का लेन देन शुरू किया। घर वालों ने रोका, मना किया, लेकिन पैसे भी कम थे, पता नहीं किसी तरीके से मैनिपुलेशन करके कामयाब हो गया करने में। और इसने बताया कि मैं 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं हम इसमें, रियल एस्टेट में, 1 साल के अंदर अंदर। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा है। अच्छा अच्छा लगता है जब कोई बंदा कहता है कि मैं सर आपके वजह से करोड़पति बन गया, तो समझो मेरा तो सबसे ऊपर चला गया ना, मेरा तो जो एस्टीम है बहुत हाई हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये 8 पढ़ा बंदा सिर्फ 8 या 9 जमाते पास है, मैट्रिकुलेट नहीं है ये, मैट्रिकुलेट से भी नीचे है। तभी तो मैंने लिखा इफ़ दे कैन डू व्हाई कांट यू। दूसरा बंदा हरप्रीत सिंह श्री गंगानगर, इनका फ़ोन आया। ये बंदा के मजदूरी करते थे पहले, और मजदूरी घरों में जो नए घर बनते हैं उनमें पत्थर वगैरह लगाने का काम करते थे, ठेकेदारी का करते थे। और आज ये इन्होंने मेरे को बताया कि मैं बिल्डर बन चुका हूँ, और मैं उन लोगों के लिए घर बनाता हूँ, पीपल ऑफ हाई टेस्ट, जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चते हैं घरों पे, उनके लिए मकान बनाता हूँ, पीपल ऑफ हाई टेस्ट के लिए। तो ये ज़्यादा पढ़ा लिखे तो नहीं होंगे ये, क्योंकि जब ये इन्होंने काम ही कहाँ से शुरू किया, मजदूरी से शुरू किया, तो इसका मतलब पढ़े लिखे कम ही होंगे। अगला जो गगनदीप रहल, ये किसी, इसके पास अपनी ज़मीन पड़ी थी, और इसने कोई मेरे से कुछ 3 साल पहले फ़ोन किया था कि मैं सर इस ज़मीन का क्या करूं। तो मेरे को जब इसने बताया कि इस तरीके की ज़मीन है, तो मैंने कहा था ये इसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दो, दुकानें काट दो। तो दुकानें काटने के बाद, दुकानें बेचने के बाद, ये कह रहा है जो पैसे मेरे को मिल रहे थे जब हम ज़मीन बेच रहे थे, तो उससे 70 लाख रुपया प्लस मिला है। तो 70 लाख रुपया कमाना विद इन 6 मंथ कमाना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो दी है कि आप लोग अपना करियर चूज़ करने के लिए बहुत ध्यान से करें, करियर चूज़ करना तो बहुत ध्यान से करें, ऐसी जगह पे काम करें जिसमें कल को आप मालिक बन सकें। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लग जाना, बड़े बड़े MNC में हमने काम करना, या किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, या कहीं और सरकारी ऑफिसर भी, वो काम हम करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें कभी भी हम मालिक नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, हमारी पोजीशन वर्कर से ऊपर सुपरवाइज़र होगी, सुपरवाइज़र मैनेजर होगी, मैनेजर से जनरल मैनेजर, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम वहाँ पर कभी भी बॉस या जिसको हम मालिक कहते हैं, मालिक नहीं बन सकते। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पर तेजिंदर वालिया, राजकुमार और जसवंत सिंह कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो पहले उन प्रॉपर्टी डीलरों के यहाँ पर असिस्टेंट हुआ करते थे, उनको उनके जो गेस्ट, उनके जो कस्टमर आते थे, क्लाइंट आते थे, उनको पानी पिलाने का काम करते थे, लेकिन वो पानी भी पिलाते रहे और काम भी सीखते रहे, और वो आज टॉप की पोजिशन में बैठे हैं। और उसमें तेजिंदर वालिया तो बहुत ऊपरी पोजिशन पर चला गया। बहुत बंदे ऐसे हैं जो हमारे साथ, जिन्होंने काम किया, काम करके सीख गए, दिल से काम किया उन्होंने, काम करने के बाद सीखा, सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, और यहाँ से यहाँ चले गए। सो आपने जब भी अपना कोई काम शुरू करना है, चाहे नौकरी शुरू करनी है, आपने किसी तरीके का करियर शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, उस तरीके का काम करें जिसमें आप कल को मालिक बन सको।
काम तो करना ही है। कई बार हमारी जो सिलेक्शन है, जैसे मैं बैंक में था, मैं बैंक कभी घर का बैंक नहीं खरीद सकता था, मैं वहाँ एम्प्लॉय ही रहना था। उसके पहले मैं टेलीफोन एक्सचेंज में था, तो टेलीफोन एक्सचेंज में मैं धीरू भाई अंबानी बन के तो मैं जियो अपना बना सकता हूँ, और उसके बिना कोई भी नहीं बना सकता। तो हमने, हमारे पास क्या प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले हम रोजगार के ऊपर जाना है। हमने लिवलीहुड के लिए कोई नौकरी शुरू करती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी जॉब शुरू करनी है, कहाँ हमारी ग्रोथ है। सो मेरा ये जो चैनल का मेन मकसद यही है कि आपको जगाना है और आपने जाग जाना है, आपने सीखने के लिए और आप मतलब पढ़ने के लिए सारी एफर्ट्स करनी है, क्योंकि फंडा बहुत क्लियर है। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर कमेंट भी करना, अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी करना, कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। आज हमारा नया चैनल मेरे मुताबिक शुरू हो चुका है, उस पर वीडियो आ रही है पेरेंट्स के ऊपर, तो वो जनरल के लिए हमने रखेंगे, और इस पर जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्लस रियल स्टेट एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह माली।